प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 भाग नंबर 1। इसका पहला भाग है, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 22 डिग्री हो। देखो यहाँ पर प्रत्येक बाह्य कोण का माप दिया गया है। क्या दिया गया है? प्रत्येक बाह्य कोण का माप दिया गया। हम अब प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करने का सूत्र लिखते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं प्रत्येक बाह्य कोण का जो मान होता है वो होता है कितना? होता है 360 बटा एन होता है। कितना होता है? 360 बटा एन होता है। कितना होता है? 360 बटा एन होता है। अब देखो बाह्य कोण का माप दिया गया, कितना दिया गया है? 22 दिया गया है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 22 डिग्री बराबर 360 बटा एन। अब देखो हमें एन ज्ञात करना है, तो एन को इधर ले आते हैं और 22 को यहाँ ले आते हैं, तो एन बराबर हो जाएगा 360 बटा 22। अब देखो 360 में हम 22 का भाग देंगे तो क्या पूरा पूरा जाता है? यहाँ दोगे 360 में, यहाँ किसका आ जाएगा? 180, और फिर भाग दोगे यानी इसमें दो का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? बराबर 180 आ जाएगा, और इसमें दो का भाग दोगे तो 11 आ जाएगा। अब 180 में 11 का भाग दो, 11 एकम 11 और बच गए 7, 70, 11 7 77, यानी भाग पूरा पूरा नहीं जाता। क्या नहीं जाता? जब इसमें हम इसका भाग देते हैं तो भाग पूरा पूरा नहीं जाता। जब 360 में 22 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता तो इस ऐसा कोई बहुभुज संभव नहीं है जो जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या हो? 22 डिग्री हो। अतः का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। अतः ऐसा कोई बहुभुज अतः 360 में 22 का भाग पूरा नहीं जाता। और जब भाग पूरा नहीं जाता तो क्या नहीं होता? ऐसा कोई समबहुभुज संभव नहीं है। नहीं जाता तो ऐसा कोई संभव नहीं है। जब 360 के अंदर 22 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो यहाँ जो मान हमें प्राप्त होता है वो पॉइंटों में प्राप्त होता है, और पॉइंट के अंदर जो मान प्राप्त होता है इस कारण इसका कोई मान प्राप्त नहीं होगा और ऐसा कोई संभवभुज भी नहीं होगा जब इसका मान पॉइंटों में आएगा। क्वेश्चन 5वें का दूसरा भाग है, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो। देखो बाह्य कोण की माप यदि 22 डिग्री है, कितनी है? 22 डिग्री है। मान लो ऐसी कोई रेखा है, अब देखो यहाँ पर इसके बाह्य कोण का माप, मान लो यहाँ ये 22 डिग्री है तो ये कोण कितना हो जाएगा? क्योंकि दोनों कोणों का अंतःकोण और बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम क्या लिखेंगे? बाह्य कोण, तो अंतःकोण यानी बहु समबहुभुज का अंतःकोण, समबहुभुज समबहुभुज का अंतःकोण। देखो दोनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। समबहुभुज का अंतःकोण देखो बाह्य कोण दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे? 180 माइनस 22 बराबर अंतःकोण का मान आ जाएगा 158 डिग्री। कितना आ जाएगा? 158 डिग्री। अब देखो समबहुभुज का अंतःकोण का सूत्र होता है, समबहुभुज का अंतःकोण ज्ञात करने का सूत्र होता है, क्या होता है? n माइनस 2 गुणा 180 बटा n। अंतःकोण दे रखा है, हमारे पास जो अंतःकोण आया है वो कितना आया है? 158 डिग्री आया है। तो हम लिख लेंगे 158 डिग्री बराबर n माइनस 2 गुणा 180 बटा
एन। अब देखो एन भाग में है, इसका पक्षांतर गुणा में करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 158 एन बराबर, इसको एन को 180 से गुणा करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 180 एन माइनस, 180 एन माइनस 180 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 360। अब देखो ये एन वाली संख्या है, इसका पक्षांतरण इधर करते हैं तो ये हो जाएगा 158, ये हो जाएगा 158 एन माइनस 180 एन बराबर। देखो यहाँ पर क्या बच गए, माइनस के कितने बच गए, 360 डिग्री बच गया। अब 158 में 180 माइनस में से 158 प्लस घटाएंगे तो वापस बच जाएगा अपने पास माइनस के 22 एन बराबर माइनस के 360। अब देखो माइनस से या एन बराबर लिख लो, एन बराबर हो जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा 360 किसके, माइनस के बट्टा माइनस के 22, माइनस से माइनस कैंसिल होगी, 360 में 22 का जब भाग देंगे तो हमने पिछले अनुभाग में देखा था कि 22 का भाग 360 के अंदर पूरा पूरा नहीं जाता, अतः ऐसा कोई समबहुभुज, ऐसा कोई सम बहुभुज, ऐसा कोई समबहुभुज संभव नहीं है, क्योंकि 360 में, 360 में 22 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, 360 में 22 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, क्योंकि 360 में 22 का भाग क्या होता है, पूरा पूरा नहीं जाता, तो ऐसा कोई समबहुभुज संभव नहीं है।